शिवपुरी में आतिशबाज के मकान में लगी आग से मची अफरा तफरी, दमकल ने पाया आग पर काबू। शिवपुरी शहर के दोया थाना क्षेत्र के पुरानी शिवपुरी रोड तारकेश्वरी कॉलोनी में फयाज और आतिशबाज के घर में आग लग गई। मकान में धुआं और आग की लपटें उठता क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। आनन फानन में आगजनी की सूचना पुलिस सहित फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना के तत्काल बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया है। करीब एक घंटे की मदद से आग पर काबू पाया गया। तभी कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली कि मकान फयाज आतिशबाज का था। इसके चलते लोगों को मकान में आतिशबाजी रखी होने का अंदेशा था। इसके चलते क्षेत्र में दहशत का माहौल था। आगजनी की घटना में एक युवक घायल। जानकारी के मुताबिक फयाज आतिशबाज की 3 मंजिला इमारत पुरानी शिवपुरी रोड तारकेश्वरी रोड है। मशहूर आतिशबाज फयाज खान का निधन पूर्व में हो चुका है। अब इस इमारत में फयाज खान के बेटा जम्मू खान अपने परिवार के साथ रहता है। बताया गया है जम्मू खान आज अपने भांजे की शादी से बाहर गए हुए थे। जम्मू खान का बेटा शेखू खान और परिवार के सदस्य पहले माल पर थे। इसी दौरान दूसरे माले पर आग भड़क गई। जब शेखू खान के घर दूसरे माले में धुआं की आग की लपटें उठती देखी गई तो आग बुझाने के प्रयास में शेखू झुलस गया। इसके साथ ही घर के बाहर लगे बोरवेल को चालू कर लेजम के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया था। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से करीब 1.5 घंटे में आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। आगजनी की इस घटना में दूसरे माले पर रखा घर का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ। इस घटना से एकू खान आग बुझाने के दौरान झुलसा है। उसके उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगजनी के इस घटनाग्रस्त स्वामी में लाखों का नुकसान हुआ है। ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पर गुरुद्वारा रोड पर एक मकान में आग लगी है। जो पंजाबी वाले हैं उनका घर है, पुराना घर है, उसमें आग लगी। कुछ आगे आ गई है और आग को बुझा दिया है। सर लोग कितने लोग जाने हैं क्या? अभी एक बच्चा बता रहे हैं, एक लड़का है जो तगड़े झुलसा है। जनानी तो नहीं और देते कुछ नहीं, अभी जनानी को झुलसा है। थैंक यू।